अगर आपको पता चला। देश में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा 80 लोकसभा सीट हैं, महाराष्ट्र में 48 हैं, और उसके बाद नंबर आता है बंगाल का जहां पर 42 सीट हैं। चुनावी दृष्टि से खासा महत्वपूर्ण राज्य है बंगाल। पिछली बार की टैली की बात कर रहे हैं तो तृणमूल कांग्रेस को, जो कि सत्तारूढ़ पार्टी है, 22 सीटें मिली थी। 18 सीटें आई थी भारतीय जनता पार्टी के हिस्से, यानी 2014 के मुकाबले उनकी टैली में बड़ा जंप आया था, और 2 सीटें आई थी कांग्रेस के खाते में। इन 2 में एक थे अधीर रंजन चौधरी, जिन्होंने बंगाल चुनाव की हिंसा पर ममता बनर्जी पर तीखे सवाल उठाए, उन्हें गद्दार करार दिया, और ममता ने पलटवार करते हुए कहा कि फिर ये लोग उम्मीद करते हैं कि हम दिल्ली में जाकर विपक्षी एकता के नाम पर इनका सहयोग करें। अनुपम दा, आपका रुख करते हैं। मेरे सामने आंकड़े हैं खालिस पंचायत चुनाव की हिंसा की। अगर बात करें तो 2003 लेफ्ट फ्रंट की सरकार थी, तब आधिकारिक रूप से 76 लोग मारे गए थे, अभी आधिकारिक गणना 48 पर अटकी है। सीपीएम के 31 कार्यकर्ता, कांग्रेस के 19, टीएमसी और भाजपा के 8-8। टीएमसी पीठ थपथपा रही है कि हमने मुर्शिदाबाद मॉडल, हमने शुभेंदु अधिकारी मॉडल सब फ्लॉप कर दिए। पर एक आंकड़ा ये भी है कि 2018 में जहां उन्होंने 34% सीटों पर निर्विरोध जीत हासिल की थी, इस बार वो घट के 12% हो गया। और अब तो लोकतंत्र की बुनियादी समझ रखने वाले भी जानते हैं कि निर्विरोध के पीछे का खेल क्या होता है। घर में 4 लोग होते हैं तो शायद ही किसी एक बात पर, एक मत पर हो पाए, और यहाँ पूरे के पूरे गांव और तालुका में विरोध का कोई स्वर नहीं। विपक्षी आरोप लगा रहे हैं कि जीतने वाले कैंडिडेट से भी कहा जा रहा है टीएमसी की मेंबरशिप लो, तभी आपको विनर का सर्टिफिकेट मिलेगा। टीएमसी कह रही है कि विपक्ष जो रणनीतियां कर रहा है, दुष्प्रचार कर रहा है, जनता ने जवाब दे दिया। आप इसको ग्राउंड पर कैसे देखते हैं, और खास तौर पर 2024 के हिसाब से और 19 के नतीजों की तुलना में देखें पंचायत चुनाव का किस तरह से असर देखेगा? नॉर्थ बंगाल जहां पर बीजेपी को महत्वपूर्ण बढ़त हासिल हुई थी, वहां क्या इम्पैक्ट है? शुभेंदु अधिकारी को लेकर कुणाल घोष का तंज भरा बयान आया कि अपने आप को बड़ा नेता मानते हैं, चेस्ट थंपिंग कर रहे थे ममता को हरा के, अपने ही तालके में नहीं जिता पाए। अनुपम दा, सौरभ देखिए, सबसे पहले अगर लोकसभा के परिप्रेक्ष्य में हम बात करें तो 2019 में बीजेपी को 18 सीटें मिली थी। अब उनमें देखना होगा कि सबसे ज्यादा उन्हें कहां सीटें मिली थी। उत्तर बंगाल में लगभग सभी सीटों पर बीजेपी जीती थी, ये एक बहुत बड़ी सफलता थी, टीएमसी को वहां से कुछ नहीं मिला था। दूसरी जो बीजेपी को सफलता मिली थी वो जंगल महल की जो 5 जिले हैं वहां पर बीजेपी को सफलता मिली थी। और तीसरी जो सफलता बीजेपी को मिली थी वो थी मतुआ जो वोट बैंक है, जो बांग्लादेश का बॉर्डर है, नदिया और उत्तर 24 परगना रानाघाट, जहां से अभी शांतनु ठाकुर मंत्री है, वहां पर बीजेपी को तीसरी सफलता मिली थी। तो 3 ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर बीजेपी को सफलता मिली थी 2019 में। अब अगर हम पंचायत चुनाव के परिप्रेक्ष्य में देखें तो इन तीनों जगहों में सबसे ज्यादा निराशाजनक प्रदर्शन बीजेपी का रहा है उत्तर बंगाल में, क्योंकि उत्तर बंगाल में अगर हम टीएमसी का पिछले कई सालों का हिसाब किताब देखें तो टीएमसी का शुरू में भी कभी वहां पर उसका बोलबाला नहीं रहा था। शुरू में सीपीएम का बोलबाला रहा, फिर कांग्रेस भी कई जगह थी, रायगंज वगैरह जैसे क्षेत्र हैं वहां पर कांग्रेस का बोलबाला रहा था। लेकिन उसके बाद जब 2018 में चुनाव हुए, जो 2019 में चुनाव हुए, तो बीजेपी ने वहां की सभी सीटें, 7 सीटें वहां की जीत ली। तो लेकिन अब उसके बाद 2021 का अगर हम विधानसभा चुनाव देखें तो टीएमसी ने वहां पर काफी, जो बीजेपी का 2019 का जो रिजल्ट था उसके मुताबिक वो 2021 में वो रिजल्ट नहीं हुआ, काफी सीटें थी जो उन्होंने गवाई अगर उस लिहाज से, उस गणित से हम देखें तो। और टीएमसी ने जो उनकी सीटें नहीं थी वहां पे उन्होंने अच्छा काम किया, और 2019 की अपेक्षा 2021 में जो उत्तर बंगाल का क्षेत्र है वहां पर वो अपना पांव कई जगह पसारने में कामयाब रहे। अब पंचायत चुनाव के परिप्रेक्ष्य में अगर हम देखें तो गणित कह रहा है कि उत्तर बंगाल में बीजेपी का जो प्रदर्शन रहा है निराशाजनक प्रदर्शन रहा है। बिहार जहां से निशित प्रमाणिक मंत्री आ रहे हैं उस जगह पर भी बीजेपी को बहुत ज्यादा सफलता नहीं मिली। अब हम आते हैं जंगल महल में। जंगल महल में भी अगर झाड़ग्राम, बांकुड़ा, इन जगहों का देखें तो बीजेपी को
ने ठीक ठाक प्रदर्शन किया है, लेकिन उनकी जो रफ्तार अगर हम देखें, जिस रफ्तार से वो आगे बढ़ रहे थे 2019 2021 में, जिस रफ्तार से आगे बढ़े, 77 सीटें जीत गए असेंबली इलेक्शन में, उससे पहले 2019 में 18 सीटें उन्होंने जीत ली, जो रफ्तार उन्होंने पकड़ी थी वो रफ्तार लेकिन कम हो चुकी है। जो मथुरा वोट बैंक है वहां पर भी उनका जो इस बार का प्रदर्शन है वो थोड़ा सा वो जिस रफ्तार से होना चाहिए था, ये जो अपेक्षा की जा रही थी वो नहीं हुआ। लगभग 22-23% उनको पूरे अगर ओवरऑल पंचायत चुनाव की हम बात करें तो वोट प्रतिशत है बीजेपी का, लेकिन एक बड़ा वोट प्रतिशत है अगर हम पूरे बंगाल के परिप्रेक्ष्य में देखें तो। और जिस तरह के सीटें हम देखें तो 10,000 से ज्यादा सीटें उनको मिली है ग्राम पंचायत, हालांकि उनको एक भी जिला नहीं मिल पाया है, लेकिन ग्राम पंचायत की 10,000 से ज्यादा सीटें मिली है। तो ये बीजेपी कह रही कि बहुत अच्छी बहुत बड़ी सफलता है, मुझे लगता है कि सफलता उनको मिली है, लेकिन जिस रफ्तार से ये सफलता उनको मिलनी चाहिए थी वो रफ्तार थोड़ी धीमी हो चुकी है। कि 2024 के जो चुनाव है, अभी एक साल भी नहीं बाकी है, अभी देखिए मोदी जी अमित शाह जी के मतलब वो क्या उनके लास्ट स्ट्रैटेजी होगा, क्या आस्तीन के नीचे क्या तास है, अभी वो तो जैसे 2019 में हुआ था, 2019 में मैं पश्चिम बंगाल में गांव-गांव में देखा कि बंगाली भद्रलोक जय श्री राम नारा लगा रहे अमित शाह जी के रोड से में, बड़ा बाजार में हिंदी भाषी नहीं। और मैं ये पहली बार इतना जो कम्युनिस्ट वोट भी मान लीजिए जादवपुर यूनिवर्सिटी में लेफ्टिस्ट प्रोफेसर वो जय श्री राम में शिफ्ट कर गए, वाम राम हो गया, वाम राम हो गया था, ये तो बहुत पॉपुलर है, कॉइन हुआ था। हम जादवपुर यूनिवर्सिटी में गए थे, वो एकदम लेफ्टिस्ट डेन है, जहां हमारे पुराने जो गवर्नर को साथ बाबुल सुप्रियो का याद होगा क्या क्या हुआ था, तो वहां कमल खिल रहा था एक लेक में, तो किसी ने बोला कि ये लेफ्ट यूनिवर्सिटी है, लेकिन देखिए ये कमल खिल रहा है क्योंकि ऑल कम्युनिस्ट प्रोफेसर दे हैव बिकम एंटी ममता एंटी इनकम्बेंसी, भाजपा में जा रहे हैं क्योंकि लेफ्ट कुछ नहीं कर पाएगा। अभी ये साबित हो गया है बीजेपी, मैं वाजपेयी आडवाणी जी के समय का बीजेपी देखा था, दो काउंसिलर जीता था कलकत्ता कॉरपोरेशन में, कमल बसु मेयर था और आडवाणी जी उस समय मुझे याद है वहां पर पूरी कलकत्ता में गुलाल हुआ था कि हमने खाता खोला। तो आज वहां से भाजपा का अगर ग्रोथ दिखा जाए, कहां से भाजपा कहां पहुंचे हैं, अमित शाह जी ने अध्यक्ष बन के सबसे पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोले थे कि पैन इंडियन पार्टी बनना है तो बंगाल में हमको जाना है, नॉर्थ ईस्ट में जाना है, असम में सफलता मिला है, जहां जहां मुस्लिम ज्यादा है वहां भाजपा का ज्यादा पोलराइजेशन, तमिलनाडु और केरल नहीं जीतेंगे तब तक आप राष्ट्रीय पार्टी के दावे में कुछ। तो अभी इस समय मुझे लग रहा है 2024 में भी ममता बनर्जी इज ऑल्सो वेरी स्मार्ट पॉलिटिशियन, ममता बनर्जी ने वेस्ट बंगाल में कॉन्सेंट्रेट कर लिया, ये पूरी देश में प्रतिपक्ष क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं, वो बैंगलोर मीटिंग सब ठीक है, लेकिन कांग्रेस कम्युनिस्ट अलायंस नहीं तोड़ेगा। अधीर चौधरी डेली स्टेटमेंट करता रहेगा, अधीर चौधरी 1500 किलोमीटर दूर है, राहुल गांधी बैठे हैं, क्या अधीर चौधरी को नहीं कह सकते हैं कि ममता के साथ अगर रिश्ता करना है तो अभी स्टेटमेंट बंद करो, वो तो सबसे ज्यादा स्टेटमेंट ये कहा है, कल भी बोले हैं कि कर्नाटका में जैसे भ्रष्टाचार सरकार को हटाया, ममता बनर्जी का भ्रष्टाचार सरकार हटाना मेरा सबसे बड़ा प्रायोरिटी है। तो ये बात करके आप अपोजिशन यूनिटी करेंगे और बाकी जो स्टेट ये बात नहीं करेंगे तो अधीर रंजन चौधरी अपनी लोकसभा सीट कैसे बचाएंगे, तो कैसे बचाएंगे, देखिए 42 सांसद बनेंगे तब तो उनको राष्ट्रीय स्तर पर सुना जाएगा। नहीं, लेकिन ममता बनर्जी इस बार ना कांग्रेस के साथ सीट एडजस्टमेंट मुझे तो लगता नहीं है कि कांग्रेस कम्युनिस्ट का रिश्ता जो है वो टूट जाएगा, ऐसे नहीं लग रहा। अच्छा, है आप कह रहे हो कि केरला में कांग्रेस और कम्युनिस्ट एलडीएफ और यूडीएफ एक दूसरे के खिलाफ लड़ेंगे और बंगाल में विधानसभा चुनाव की तरह वो एक साथ होंगे और आईएसएफ उसमें भी रहेंगे, हालांकि आईएसएफ ने उसके चुनाव के बाद हाँ जोड़ने की बात कही थी, तो वो नहीं जोड़े तो। लेकिन ममता बनर्जी का एक वोट बैंक अभी इवॉल्व हो गया है, जो सीपीएम के खिलाफ जब लड़ते थे तो एंटी सीपीएम वोट बैंक, अभी वो एक्सपैंड किए हैं, जैसे ओबीसी, जैसे अभी अनुपम और ऋतिक भी बोल रहे थे कि मथुआ वोट, मुस्लिम वोट, ये जो एकदम एसोर्टेड चॉकलेट है इसमें सब कुछ है। चलिए तो ये इसको तोड़ना भाजपा के लिए इतना जल्दी इतना आसानी से तो एक साल में हो जाएगा, और मोदी अमित शाह जी हमको सब कुछ कर देगा, हम स्टेट बीजेपी का संगठन नहीं है, हमारा कम्युनिकेशन स्किल नहीं है, हम आपस में झगड़ा करेगा और मोदी अमित शाह जी ट्रे में सजा के हमको खाना दे देगा और हम जीत जाएगा। बंगाल भाजपा में बहुत झगड़ा है आपस में, झगड़ा थोड़ा करके बताइए। अगर शुभेंदु अधिकारी इफ ही इज द चॉइस, मुझे तो लगता है अमित शाह जी पसंद करते हैं और वो अमित शाह जी के कहने पर बहुत वर्क करते हैं, अगला हेमंत बिस्व शर्मा दिखता है
और कोशिश भी शुभेंदु बहुत कर रहा है, 24/7 काम करता है, वो राहुल गांधी से शायद ज्यादा काम करते हैं कलकत्ता में। लेकिन मैं ये कहूंगा तो ये दिलीप घोष और बाकी सुकांत मजुमदार और बाकी लोग नहीं, देखिए सुकांत मजुमदार दिलीप घोष ये जो अलग अलग भाजपा हो गया है, जैसे जैसे भाजपा सेंटर में मोदी अमित शाह, पश्चिम बंगाल में ममता अभिषेक, वो तृणमूल में भी वो कोई दिलीप घोष और ये जो बाकी इतने तो भाजपा वाले जी। वो भाजपा वाले वो तृणमूल में नहीं है। अच्छा, तो इसीलिए भाजपा का समस्या है पश्चिम बंगाल।